वीडियो शुरू करने से पहले एक जोक सुनो। लड़के ने लड़की से पूछा, आईपीएल देखती हो? लड़की ने कहा हाँ। लड़के ने कहा, मेरा फेवरेट एमआई है, तुम्हारा क्या है? लड़की ने कहा, वीवो। चेन्नई सुपर किंग्स बनी आईपीएल 2023 की चैंपियन। प्रीति जिंटा ने कहा, कौन कहता है लॉयल्टी खत्म हो गई है दुनिया से? धोनी और मेरी किस्मत तो आज भी सबसे लॉयल है। एमएस धोनी ने पांचवी बार जीती आईपीएल की ट्रॉफी। हर्षा भोगले ने कहा, धोनी ट्रॉफी के पास नहीं जाते, बल्कि ट्रॉफी धोनी के पास आती है। विराट ने कहा, माही भाई हमें भी बताओ कौन सा परफ्यूम लगाते हो जो ट्रॉफी आपको आकर चिपक जाती है। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप जीत ली, मोहम्मद शमी ने पर्पल कैप जीत ली, लेकिन फिर भी उनकी टीम चैंपियन नहीं बन सकी। शुभमन गिल ने कहा, माही भाई ने हम दोनों को टोपी पहनाकर ट्रॉफी जीत ली। साई सुदर्शन ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेली 96 रनों की पारी। पिछले मैच में स्लो इनिंग्स की वजह से हार्दिक ने किया था उन्हें रिटायर्ड आउट। साई ने कहा, अब कर ना माखन चोर। गौतम गंभीर ने सीएसके के लिए किया ट्वीट, विनिंग 1 ट्रॉफी इज डिफिकल्ट, विनिंग 5 ट्रॉफीज इज अनबिलीवेबल। विराट ने कहा, माही भाई इस ट्वीट पे तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। गौतम गंभीर के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए फैंस ने कहा, एक तीर से दो शिकार तो सुना था, लेकिन एक ट्वीट से दो शिकार पहली बार देखा है। गौतम गंभीर ने धोनी से कहा, यू आर लुकिंग सो हैप्पी। धोनी ने कहा, हाँ लगा दे नजर। सीएसके को जीतने के लिए 2 बॉल्स में लग रहे थे 10 रन। हार्दिक ने मोहित को दी सलाह, फिर उसके बाद गुजरात टाइटंस हार गई। हार्दिक ने कहा, मैंने इतना सोचा जितना सोचा जा सकता था। नेहरा ने कहा, फिर भी बिना दिमाग के कितना सोचा जा सकता था। रविंद्र जडेजा बने सीएसके के हीरो, लास्ट 2 बॉल्स में 10 रन बनाकर जिताया मैच। जड्डू ने अपनी बीवी से कहा, मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता है, तो फिर ये ट्रॉफी क्या चीज है। सीएसके ने जीती ट्रॉफी, लेकिन धोनी गोल्डन डक पर आउट हो गए। शुभमन गिल ने सारा को कहा था, हाँ बाबा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी मारूंगा शतक। धोनी ने कहा, ससुर को भेज, तेरी बस की बात नहीं। धोनी ने 0.1 सेकंड में स्टंपिंग करके शुभमन गिल को किया आउट। शुभमन ने कहा, फास्ट फूड से भी ज्यादा फास्ट है माय भाई की स्टंपिंग, फ्लैश भी इनसे ट्यूशन लेता होगा। जब धोनी ने शुभमन को किया स्टंप्ड आउट, गिल ने लिया DRS। थर्ड एम्पायर ने कहा, आप मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सीएसके से हारने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि पिछले साल हम आईपीएल क्यों जीते, क्योंकि तब फाइनल में सीएसके नहीं थी। आईपीएल 2023 में सीएसके की तरफ से तुषार देशपांडे ने लुटाए सबसे ज्यादा 564 रन। तुषार ने कहा, अगर हर मैच में 8 ओवर्स बॉलिंग करने को मिलती तो विराट कोहली का 973 का रिकॉर्ड तोड़कर ऑरेंज कैप जीत जाता। रविंद्र जडेजा ने चौका मारकर चेन्नई को बनाया चैंपियन। जड्डू ने कहा, ये जीत माई भाई के लिए थी, हिज हर्ट इज नोकिया 3310 बिकॉज आई कैन नेवर ब्रेक इट। एक आईपीएल फैन ने कहा, रोज रात को 1 बजे तक मैं अपनी तन्हाई से बातें करता था, लेकिन आज तो मैच ही 2 बजे खत्म हुआ, इसलिए मेरी तन्हाई ने मुझसे नाराज होकर ब्रेकअप कर लिया, अब मैं किससे बातें करूंगा। आईपीएल की वजह से गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा था चिंटू। गर्लफ्रेंड ने कहा, अगर तुमने आईपीएल देखना नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। चिंटू ने कहा, मैं आईपीएल से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, कल से मार्च 2024 तक सिर्फ तुम्हारे लिए आईपीएल देखना छोड़ दूंगा। गर्लफ्रेंड थी भोली भाली, उसने कहा, ओ बाबू तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, और फिर से पैचअप कर लिया। #चालाकचिंटू। आईपीएल 2023 खत्म होने के बाद फैंस ने जियो सिनेमा को किया अनइंस्टॉल। तेरा काम हो गया तुझे। MS धोनी ने कहा, मैं नहीं ले रहा रिटायरमेंट, अगले साल फिर से खेलूंगा आईपीएल। फैंस ने फ्लाइंग बीस्ट को कहा, आपके साथ तो प्रैंक हो गया जी।